प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। आप में से कुछ लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में ही अपना भविष्य देखते हैं। उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो एनजीओ में काम करते हैं, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप घर में कोई अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं या सोच रहे हैं शुरू करने की, या फिर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें काम करते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट या ग्लोबल फर्म में काम करते हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, आप सभी के लिए जो एक सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, प्रोजेक्ट को इन एंड आउट समझने का, प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, उसको बेहतरीन तरीके से और पूरी दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का आपका जो सपना है वो इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तो बस निरंतर ही देखते रहिए। तो आज इस पार्ट टू में, यानी कि दूसरे वीडियो में, हम बात ये करने वाले हैं, जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल किए, तो उसमें से एक सवाल ये था कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है। क्या ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल ऑपरेशन जिनको हम डेली ऑपरेशंस कहते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस में हो रहे हैं, चाहे आपके एनजीओ में हो रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, चाहे आपके प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहे हैं, वो डेली ऑपरेशंस हर रोजमर्रा के जितने भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी कि एक आसान भाषा में जितने भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो क्या वो काफ़ी नहीं है? क्या ज़रूरी है कि हमें एक अलग से काम निकालना है और उसको प्रोजेक्ट का नाम देना है और फिर उसे प्रोजेक्ट के नाम पे करना है या करवाना है? समझने की बात ये है कि इतना जोर, इतना एम्फेसिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्यों है आज के समय पे। देखो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्रोजेक्ट को बनाना ही पड़ता है। कुछ ऐसा टास्क होता है जो हमें एज यूजुअल, जो बिजनेस एज यूजुअल हम बोलते हैं BAU, उससे हट के हमारे कुछ ऐसे टास्क निकल ही आते हैं जिन पे हम डेली ऑपरेशंस के तहत नहीं नजर रख सकते हैं या उनको इतना समय और उन पे इतना एफर्ट नहीं खर्च कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो डेली ऑपरेशंस में रहते रहते आप उसे अपनी इंडस्ट्री, अपने सेक्टर में बखूबी नहीं कर पाते हो, लेकिन यही जो काम है, यही जो टास्क है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं करना, क्यों ज़रूरी होते हैं अलग सा नाम देके प्रोजेक्ट, जो कि एक नाम हम देते हैं उसके तहत इन टास्क को पूरा करना, क्योंकि ये जो टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके गोल में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की विजन है, उसका फिर एक मिशन है और फिर उसके छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स या जिसको हम गोल कह सकते हैं उसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। क्या, कौन, किस तरीके का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये टास्क जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा की एक्टिविटीज जो भी हम अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं उसमें इन कामों को नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम इन कामों को अलग से टास्क बना के, शेड्यूल करके, प्रायोरिटी वाइज एक प्रोजेक्ट का नाम दे के नहीं करते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो वैसे का वैसे रह जाएगा और हमारी अंततः जो ऑर्गेनाइजेशन की विजन है वो अचीव नहीं हो पाएगी। और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और जो विजन है जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनी है और चल रही है और जो जहाँ पे, जिस पोजीशन पे वो अपने आप को फोर्सी करती है आगे आने वाले समय में, अगर वो वहाँ तक ही नहीं पहुँच पा रही है, अगर आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही नहीं ले रहे हो वो ऑब्जेक्टिव्स या वो गोल्स को इसी प्रोजेक्ट का नाम दे के, अलग से बिजनेस एज यूजुअल से हटा के, जो आप हर दिन ऑपरेशंस करते हो, डेली एक्टिविटीज जो कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री में, अपने डिपार्टमेंट में, उससे हटा के एक अलग से इस प्रोजेक्ट को, उसमें ये टास्क रख के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भी ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहे हैं, क्योंकि इसी से ऑर्गेनाइजेशन की विजन अचीव हो रही है और इसी विजन से फाइनली आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी अचीव हो रहा है। तो इतना महत्व रखता है प्रोजेक्ट को एक अलग से नाम देना, उसमें से कुछ ऐसे टास्क
निकालना जो हर दिन रोजमर्रा के एक्टिविटीज में आप नहीं कर पा रहे हो। अब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या प्रोजेक्ट ही है जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, या प्रोग्राम को ही हम कुछ अलग शब्दों में प्रोजेक्ट बोल देते हैं? ये मेरा सवाल आपसे है। जितने भी प्रोजेक्ट लीड्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट स्ट्रेटजिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पोटेंशियल या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी हेड्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हेड है, चाहे वो डिपार्टमेंट हेड है, चाहे वो बिजनेस यूनिट हेड है, तो आप यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ। सबसे पहली चीज, प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाता है? ऐसे कुछ भी एक कॉमन सा टास्क उठाते हैं जो आप डेली ऑपरेशंस में कर रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, बस उसको और ज्यादा समय या पैसा या उस पर ध्यान लगाने के लिए, उसको और बेहतरीन एफिशिएंट करने के लिए या इफेक्टिव करने के लिए आपने से उसमें से थोड़ा सा काम निकाल के एक प्रोजेक्ट का नाम देके करना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों वो एक प्रोजेक्ट नहीं है? क्योंकि वो आपका डेली ऑपरेशंस है, और डेली ऑपरेशंस में जो आप हर दिन काम कर रहे हैं वो निरंतर अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर उसी काम को, उसी टास्क या एक्टिविटी को उठा के आप अलग से डाल दोगे, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको एक प्रोजेक्ट रन करना है, उस पर आपको तब ऐसा मिलेगा, आपका कोई इंसेंटिव बन रहा है या आपका कोई पर्सनल गेन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाम मात्र के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट की इसी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको समझना जरूरी है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट लीड, या एज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, या एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, आपको प्रोजेक्ट को इन एंड आउट समझना पड़ेगा, इसके मैनेजमेंट को इन एंड आउट समझना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज से कुछ नहीं होगा, तो समझ लो, सीख लो और अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखो। तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोजेक्ट की? सबसे पहला, एक कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हो, उसको नाम दे रहे हो, उसमें जो टास्क होते हैं, जो भी चीज आप उसमें शुरू और खत्म करना चाह रहे हो, जो भी आपका मोटिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप गोल भी कह सकते हो, जिसके वजह से आप ये प्रोजेक्ट को लेके आना चाह रहे हो या इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, वो गोल यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब आप समझते हैं अपने आप पे अलग होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि डेली ऑपरेशंस में से उठा के कॉमन सा टास्क जो हर दिन हर वक्त कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी कर सकता है, उसी को उठा के आपने एक अलग से प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। नहीं, एक यूनिक टास्क, एक यूनिक गोल, एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एज अ प्रोजेक्ट लीड या एज अ प्रोजेक्ट हेड आप उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की सोच रहे हो। यानी कि वो गोल, यानी कि वो जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाह रहे हो प्रोजेक्ट के जरिए, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, अगर वो यूनिक नहीं है, तो उसका ये मतलब है कि आप ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो सही नहीं है, वो गलत दिशा और दशा का प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ नामात्र का प्रोजेक्ट है। और इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट किए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप कंपनी का अपना और औरों का भी, जो आपके सहकर्मी हैं, उनका आप समय खराब करोगे, उनका पैसा बर्बाद करोगे, और जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं उसमें भी आपको कुछ खास और कुछ भी समझ के और बाहर निकल के नहीं आने वाला है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बनाया जाता है और किया जाता है, वो होता है स्पेसिफिक डिलीवरेबल। जी हाँ, यानी कि वो डिलीवरेबल जो हमें डेली ऑपरेशंस में नहीं मिल रहा है, रोजमर्रा की जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी यूनिट में हैं, वहाँ पे वो डिलीवरेबल्स, वो मैट्रिसेस अचीव नहीं हो पा रहे हैं, वो हमें जो डेटा है फिगर्स में नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स को हम इस प्रोजेक्ट के जरिए हासिल कर सकें। इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए NPS, नेट प्रमोटर स्कोर, आप सभी को पता होगा, जहाँ पे आप किसी भी कस्टमर को अपनी सर्विस देते हो, कस्टमर आपको सर्विस के आधार पे रेटिंग देता है 1 से 10 तक। अब डिपेंड करता है कि आपने उसे किस तरह की सर्विस दी है, अगर अच्छी है तो आपको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं, अगर खराब है तो आपको 1 भी मिल सकता है, और अगर सही सही ठीक ठीक है, कस्टमर ना ज़्यादा खुश है और ना ही ज़्यादा दुखी है, तो 5, 4 किसी भी तरह की कोई भी रेटिंग 1 से 10 के बीच में मिल सकती है, जिसको हम कहते हैं नेट प्रमोटर स्कोर, जिसके हिसाब से आपकी सर्विस की क्वालिटी आकी जाती है।
असेस की जाती है, इवैल्यूएट की जाती है, जिसे हम क्वालिटी अश्योरेंस भी बोलते हैं, और आगे जाके इसमें और डिलिवरेबल्स ऐड करके इसे क्वालिटी कंट्रोल में डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप हर दिन काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में या अपने यूनिट में या फिर अपनी इंडस्ट्री में या अपने सेक्टर में, उसमें आपका वो जो NPS है, अगर मान लीजिए आपको 70% अचीव कर पाना है अपनी टीम से, वो डिलीवरेबल नहीं आ पा रहा है, तो आपने उसका एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब ये 70% जो अचीव है, किस तरीके से आप ऐसा टीम करोगे, नेट प्रमोटर स्कोर का टारगेट, NPS का टारगेट, ये अब आपका गोल हो गया, जिसकी वजह से आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या डिलीवरेबल्स रखोगे, वो सारे के सारे मैट्रिसेस आप क्रिएट करोगे, कुछ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स होंगे जो इस यूनिक गोल को जो है वो अचीव करने में मदद करेंगे। यानी कि आपने एक यूनिक गोल सेट कर दिया कि आप मुझे NPS जो हम डेली ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ 50 या 60% अचीव कर पाते हैं एज अ टीम, वो जो भी हम किसी वजह से नहीं कर पाते हैं उसको हमें देखना है। और अब हमारा एक यूनिक गोल, एक यूनिक ऑब्जेक्टिव बन गया है कि हमें इस NPS को 50 से 60% से उठा के सीधे और सीधे 70% पे लाना है या उसे आगे बढ़ाना है। तो ये अब हमारा यूनिक गोल और ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस यूनिक गोल को 70% NPS लाना एज अ टीम हम किस तरीके से अचीव करेंगे एज अ टीम। अगर हमारे मान लो 10 लोग हैं टीम में, तो उनके स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स क्या होंगे, उनको किस किस पैरामीटर पे, किस किस मैट्रिक्स पे काम करना पड़ेगा, वो सारे के सारे मैट्रिक्स आपको बैठ के डिस्कस करके, ब्रेनस्टॉर्म करके वहाँ सेट ऑफ फिक्स करने पड़ेंगे। इसी का नाम है स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स। और तीसरी और आखिरी जो बहुत बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोजेक्ट के, जिस वजह से प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है या फिर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और वो है स्पेसिफिक ड्यू डेट। जी हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने की और खत्म करने की एक फिक्स्ड डेट होती है। अब यहाँ पे एक और सवाल पहला होता है कि आप किस तरीके से और क्यों इनएफिशिएंट हुए, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया है। आपके ये भी सवाल है, इस सवाल को भी हम आगे देखेंगे। इस तरीके से निरंतर जिस तरीके से आप रिस्पांस दे रहे हो, मेरे पास बैक टू बैक सेशंस के लिए आ रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हो, एक उमदा पूरी दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्ट मैनेजर के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, आप लोगों का प्रोजेक्ट स्ट्रेटजिस्ट के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, आप प्रोजेक्ट लीड की तरह सिलेक्ट कर लिए गए हो। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं और आप और बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके मेरे साथ सेशंस को बुक कर रहे हो। आप में से कुछ लोग NGOs में से हैं, आप में से कुछ लोग प्राइवेट फर्म में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी से भी हैं। तो इसी तरीके से सही दशा और दिशा में किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है, किस तरीके से आपको अपना काम करना है, जिस वजह से आप अपनी इंडस्ट्री में, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, नंबर वन बन पाए, वो आप मेरे वीडियोस के थ्रू सीखते रहो निरंतर। मेरा आपको चैलेंज है कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो शिक्षा आपको मिल रही है इन वीडियोस के जरिए, वो सबसे बेहतरीन शिक्षा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। आपके पास हर प्रॉब्लम, हर इशू का सलूशन अब होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रोजेक्ट को समझना सीख रहे हो, अब आप प्रोजेक्ट को मैनेज करना सीख रहे हो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और भी डाउट्स है, किसी और टॉपिक के आप चाहते हो कि मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे टॉपिक और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, या फिर कोई स्टार्टअप या बिजनेस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज को, आपके एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, CXO लेवल के एम्प्लॉइज और CEOs को कोच करूं, हिंडॉ करूं, गाइड करूं, काउंसिल करूं या फिर ट्रेनिंग दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी दे सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.ruli@gmail.com। तो बस आपको करना क्या है, या तो प्रपोजल भेजिए या फिर टॉपिक भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे। मेरी टीम आपसे निरंतर बातें करती रहेगी और आपके लिए सेशंस को अरेंज करती रहेगी मेरे साथ।